राजधानी भोपाल के थाना मिसरोद में नहीं रुक रहा है भू माफिया का अंत, आखिर क्यों नहीं है पुलिस का भय। राजधानी भोपाल में बीते दिनों दो आरोपी द्वारा फरियादी योगेंद्र सिंह ने कृष्णापुरम में मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। बता दें आपको घटना दिनांक 22/11/2023 को घटना कारित करना बताया गया। वही घटना को देखते हुए पीड़ित के कहने पर बीते दिन अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें एक योगेंद्र सिंह है, देवी सिंह है और महाराज, ये तीन लोग है, तीन व्यक्ति जिन्होंने शिकायत किया था थाना मिसरोद में कि अमित कुमार द्विवेदी और राकेश उपाध्याय तीन लोगों ने मिलकर एक मकान है कृष्णापुरम में इस मकान को इन तीनों से पृथक पृथक इन्होंने एग्रीमेंट किया था। इन्होंने कुल 11,26,000 रुपये तीनों से इन्होंने प्राप्त कर लिया था और उस मकान को इनसे एग्रीमेंट करने के बावजूद किसी चौथे व्यक्ति को इनके द्वारा रजिस्ट्री कर दिया गया था, विक्रय कर दिया। शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें पुलिस द्वारा जांच की गई, जांच में 420 इसमें प्रमाणित पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। अब वो जो भी प्रकरण समक्ष आता संज्ञान में आता है उसको विधिवत जांच की जाती है और जो अगर यदि विधि अनुसार आवश्यकता अनुसार उसमें प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जाती है। ये विवेचना में जब गिरफ्तारी होगी पूछताछ होगी तो स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक अजी इसमें अभी जो प्रथम दृष्टि है इसमें दो आरोपी अमित कुमार द्विवेदी और राकेश कुमार, ये जो तीनों ने अपने कथनों में बताया था तो एक से 5 लाख, एक से 4 लाख है, एक से 2,26,000, इस प्रकार कुल 11,26,000 रुपये का ये अभी कल कायमी हुई है विवेचना के जाए प्रथम चरण में विवेचना के पश्चात शीघ्र ही गिरफ्तार की है। एक्शन शुरू हो गया है, ये प्रकरण दर्ज करना एक्शन के परिधि में आता है तो विवेचना जारी है, साक्ष्य एकत्रित कर आवश्यकता अनुसार हमारी कार्रवाई की जाए। भोपाल से शेर सिंह की खास रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।